हेलो दोस्तों, जी सिंथ म्यूजिका इंस्ट्रूमेंट लर्निंग सेंटर नागपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक नई जगह में दिख रहा हूँ, ये मेरा घर है। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब थी, अभी मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, इसलिए मैंने एक आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग सिखाने का सोचा है। वो ट्रेंडिंग सॉन्ग ऐसा है कि अरिजीत सिंह का सॉन्ग है, केसरिया तेरा इश्क है पिया, ये वाला सॉन्ग बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल। तो इस सॉन्ग को सीखने के लिए आपको सी स्केल की फ्लूट चाहिए होगी, और यदि आपके पास सी स्केल की फ्लूट नहीं है तो आप किसी भी फ्लूट में बजा सकते हैं। मेरे पास फिलहाल सी शार्प स्केल की फ्लूट है, और आज मैं आपको एकदम नए तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा। मतलब मेरे पास में बैकग्राउंड में व्हाइट बोर्ड नहीं है, मैंने सोचा इस बार आपको एक नया तरीका सिखाऊँ, नए तरीके से मैं आपको सिखाऊँ। उसके लिए मैंने क्या किया है, थोड़ी मेहनत करी है। तो ये जो मैंने आपको इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप देखिए, इसको आप देख सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। ये फर्स्ट और सेकंड आपको लाइन सिखा रहा हूँ मैं इस गाने की। तो इसमें प्रॉब्लम लोगों का ऐसा था कि लोगों का कहना था कि मैं व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा हो जाता हूँ तो उन लोगों को दिखता नहीं है। तो ये तरीके से अब आपको बराबर समझ में आएगा, इसको आप नोट कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा एक एक लाइन उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था। तो ये गाना कैसा है, शुरू होगा, मुझको इतना बताए कोई, आवाज मेरी बैठी हुई है और वैसे भी मैं सिंगर नहीं हूं तो इतना बेयर कीजिए। पा गा रे सा नी सा बोल के भी बता रहा हूं मैं आपको। तो मैं आपको एक लाइन पहले सुना दूं तो ज्यादा बेटर होगा, चलिए सुन लेते हैं थोड़ा सा। ये दो लाइन है काफी हद तक सिमिलर है। तो देखिए, प प ग घ म घ रे, तो मैं आपको बताता हूँ इस ढंग से। देखिए आप, प को हम नीचे के प से ऊपर के प तक मींड भी ले सकते हैं और नॉर्मल भी बजा सकते हैं, दोनों को ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये घ म घ रे बहुत ही फास्ट है, घ म घ रे इतना फास्ट करना है, गम अगर, ठीक है। उसके बाद में रेगम अगर, अब वो थोड़ा रेगा फास्ट है, मगर स्लो है, ये ऐसी पहली लाइन हो गई। उसके बाद दूसरी लाइन कैसी है, कैसे तुझे से दिल ना लगाए कोई, तो वो लाइन है लोअर ऑक्टेव का प आएगा ऐसा। तो इसमें नया वही है, प ध लोअर ऑक्टेव का, बाकी पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, ठीक है, इस ढंग से कीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन आती है, तो नेक्स्ट लाइन कैसी है, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरिया। तो अब इसको आप इस ढंग से नोट कर लीजिए, आप देख पा रहे होंगे करेक्ट, इसको देख लीजिए, वैसे मैं बताते हुए जाऊंगा आपको। अब इसको नोट करने के बाद में अब सीखते हैं, रब्बा ने, अब मैं आपको पहले बजा के सुनाता हूँ फिर उसको सीखते हैं। सारे गा, ठीक है, सारे गा पा म ग रे सा गा, ऐसा दो बार है। उसके बाद में पा म ग रे सा सारे सा,
उसके बाद में नेक्स्ट है ऐसे ही है सेम वो काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। कोशिश कर रहा हूं मैं लेकिन गा नहीं पाता मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। नेक्स्ट है काजल की, तो वो भी सेम है। अब कैसे करना आपको सारे ग, उसका स्टाइल है देखो ऐसे करना उसको सारे ग तो आएगा। फिर से सेम यहाँ पर एक ही बार होना है प म ग रे सा ग, एक ही बार है, उसके बाद दूसरी बार है प म ग रे सा। देखो अब उसका चेंज होता है कितनों की लव स्टोरियां प ध सा सा रे ग प ध सा सा रे ग ग म ग रे, है ना प ध सा सा। समझ गए आपको इतना लिखने के बाद में, अब आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये, अब ये गाने का हुक आ जाएगा केसरिया तेरा। ये देखिए इस ढंग से इसको नोट कीजिए नेक्स्ट पार्ट में। केसरिया तेरा इश्क है पिया, नोट कर लिया आपने तो केसरिया तेरा। सुनते हैं प्रोसेस को, ठीक है इस ढंग से बजेगा। तो सा सा रे ग रे सा नी केसरिया तेरा, थोड़ा से नोट्स फास्ट है। सा सा रे ग रे सा नी, फिर इश्क है पिया प प प ध म ग रे, ऐसे ही हो जाएंगे आप तो फिर अच्छा लगेगा सुनने में, ठीक है। उसके बाद में रंग जाऊं जो मैं, रंग जाऊं जो मैं, ऐसे ही बजेगा कैसे, ठीक है। रे 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 नी नी रे रे ग रे नी, थोड़ा सा अलग स्टाइल से बता सकते हो उसको, देखो है ना। तो मैं आपको पूरा पार्ट पार्ट करके बताऊं, ये थोड़ी सी अच्छी लाइन है। रे 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 नी नी रे, अब रे ग रे बहुत ही फास्ट है, तो समझ गया अभी आपको इस ढंग। फिर से बार अब उसको कैसे बजाएंगे पूरे, रंग जाऊं जो मैं, ठीक है ऐसे ही बजेगा। फिर उसका मैं हाथ लगाऊं निरे ग मरे ग सा, निरे ग मरे ग सा, ठीक है। इसके बाद और अब दूसरा पार्ट, लास्ट का पार्ट, तो वो ये वाला पार्ट, इसको अभी आप लिख लीजिए नोट कर लीजिए, ठीक है। पॉज करके नोट कीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, आप इसको पॉज पॉज करना है, नोट करना है, उसके बाद ही सीखना, उसके पहले मत सीखना नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कर नहीं पाओगे फिर आप, ठीक है। और गाना बहुत सुंदर, बहुत ही हार्ट टचिंग सॉन्ग है, ठीक है। फिर दिन बीते, हाँ वो कैसा है, अभी दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, तो वो कैसा होगा आपको मैं बताता हूँ अभी। वो जैसे केसरिया तेरा ना उसी टाइप का है, कि दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहन सारी तेरी खैर मनाऊं,
जो लाइन है हमारी केसरिया तेरा उसी का है रिपीटेशन, यदि आप उसको भी बजाते हैं सेम सेम तो बच जाएगा, वो सेम ही रहेगा। तो मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ, धस सागर सानी प प प ध म ग रे, सीखिए और बताइए मुझे आपको कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो मुझे बताइए ताकि मैं और उत्साह से आपको नए नए गाने सिखाने की कोशिश करूँ। थैंक यू।